और ओबीसी आरक्षण खत्म करने के अमित शाह के फेक वीडियो के मामले में सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है और देखिए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि फेक वीडियोस शेयर करके विपक्ष देश में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित कर सके। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर तेलंगाना के सीएम को भी पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है और इस पर कांग्रेस बीजेपी पर भड़की हुई है। असम में एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ के जनता तक पहुंचाने का यह आरोप है जिस पर बीजेपी आक्रामक है। ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो ने पहले से गरमाए चुनावी माहौल को और भी भड़का दिया। महाराष्ट्र के सतारा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि जब विपक्ष उनसे लड़ नहीं सका तो उसने फेक वीडियो को अपना हथियार बनाया है। वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके। कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि ऐसे फेक वीडियो फैलाकर विपक्ष देश में एक बड़ी अनहोनी की साजिश रच रहा है। सीएनएन न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने भी विपक्ष को घेरा। अब इन पर क्रिमिनल केस हुआ है, क्रिमिनल केस वो फेस कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। ये मामला तेलंगाना से उठा, दिल्ली में एफआईआर हुई। मुंबई में भी बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत की और असम में भी एक गिरफ्तारी हो गई। अमित शाह के फेक वीडियो पर देश में एक्शन शुरू हो गया है। ये मसला तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का एक ऐसा एडिटेड वीडियो शेयर किया जिसमें इस तरह से काट छाट की गई है जिससे ऐसा लगा कि वो देश से एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ धर्म के आधार पर शुरू किए गए मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए 1 तारीख को दिल्ली बुला लिया है। मगर कांग्रेस ने बीजेपी पर दिल्ली पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई धरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले है। भड़की हुई कांग्रेस ने भी पार्टी शासित राज्यों में राहुल गांधी के फेक वीडियो के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे डाली। आपको क्या लगता है आप शहर दर शहर एफआईआर करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। तो अब शुरुआत कर ही दी है, तो एफआईआर कर्नाटका में भी होगी, एफआईआर तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी। पुलिस एक्शन में है तो कांग्रेस के तेवर भी तीखे हैं, यानी सियासी पारा अभी और चढ़ेगा, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन 5 लोगों की पहचान की है उसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं और सभी तेलंगाना से जुड़े हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। यूपी की सबसे अहम सीट अमेठी, जिसको लेकर अब तक सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से। सस्पेंसफुल इसलिए क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल सीट होने के बाद भी, वर्षों तक गढ़ रहने के बाद भी, कांग्रेस अब तक अपने इस सीट पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। स्मृति के नामांकन के बाद सवाल उठता है कि कांग्रेस कब राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को इस सीट से नॉमिनेट करती है।
अमेठी में स्मृति ईरानी का मुकाबला किससे होने वाला है, सबसे जरूरी है यही देखना। अभी तीसरे चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन पांचवें चरण का रण शुरू हो चुका है। भारत की राजनीति में इतिहास रचा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन के साथ ही सबसे दिलचस्प दंगल अमेठी में देखने को मिलेगा, इतना तो तय है। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका, कौन कांग्रेस से उन्हें टक्कर देगा, इस पर इंडिया ब्लॉग अब तक फैसला नहीं कर पाया। अमेठी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार अपना नामांकन पत्र आज दाखिल कर दिए हैं, लेकिन वहीं गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिली है, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने पार्टी के प्रत्याशी का सिलेक्शन नहीं कर पाई है। 20 मई को पांचवें चरण में यहां पर इलेक्शन है, ऐसे में कयास कई लगाए जा रहे हैं कि यहां से राहुल गांधी होंगे या फिर प्रियंका गांधी होंगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की सूची जारी नहीं की गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले पूजा की, फिर रोड शो करते हुए जनता का अभिवादन किया और पहुंची पांचवें चरण के दंगल में अपना नाम दर्ज कराने, यानी नामांकन कराने। जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन पांच वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, हमने 1,14,000 घर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बनते देखे। यानी बीजेपी का फंडा क्लियर है, लेकिन कांग्रेस से कौन होगा, अब तक सस्पेंस बरकरार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 1 या 2 मई को प्रियंका गांधी नामांकन कर सकती हैं, वहीं 3 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। किस सीट पर कौन नामांकन करेगा, इस पर अभी सभी ने चुप्पी साध रखी है। लंबे समय से बात हो रही है कि राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, बीच बीच में बात आती है कि अमेठी से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस जिस तरीके से डिले कर रही है, उससे जो पार्टी के लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल रहा है, उन्हें लग रहा है कि लड़ेंगे तो राहुल गांधी, लेकिन इतनी डिले क्यों कर रहे हैं। तो कई बातें हैं, एक तो कही जा रही कि स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर राहुल जी नहीं लड़ते हैं तो आखिर कौन लड़ेगा, फिर जो लड़ेगा वो कैसे तैयारी करेगा, उसके पास बहुत लिमिटेड समय होगा कि वो चुनाव की अपनी तैयारी करे, लोगों से संपर्क कर ले। भले ही कांग्रेस ने अपने पत्ते ना खोले हो, लेकिन 2019 में इसी सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़े अंतर से हराया था, जबकि 2014 में राहुल गांधी से स्मृति ईरानी को हार मिली थी। बड़ी बात है कि अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर 16 बार चुनाव जीता, लेकिन स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के गढ़ को बीजेपी के किले में तब्दील कर दिया। देखना होगा अमेठी में 2024 के चक्रव्यूह को कौन भेदेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीएसपी की तीसरी पीढ़ी के नेता और पार्टी के नए वारिस आकाश आनंद के तेवर आजकल चर्चा में है। इन्हें सिर्फ तेवर नहीं बल्कि भाषाई गरिमा का हनन करना ही सही होगा, कहना ऐसा सही होगा, क्योंकि आकाश आनंद के उग्र बयान राजनीतिक पंडितों की समझ से परे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या जूता चप्पल वाली सियासत फिर लौट आई है? कभी सरकार की तालिबान से तुलना, कभी जूते चप्पल मारने की बात,
ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना। कभी पब्लिक को भड़काने की कोशिश, कभी बाबरी पर बयान से बखेड़ा खड़ा किया। काशीराम की सियासत की तीसरी पीढ़ी के वारिस, दलित राजनीति के नए चेहरे आकाश आनंद आखिर किसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? आकाश आनंद का ये उग्र रूप देखकर राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। क्या बीएसपी की सत्ता में वापसी का प्लान आकाश के एग्रेसिव भाषण ही है या रणनीति कुछ और भी? क्या सीतापुर में आकाश आनंद ने जो बयान दिया उसने तीसरे फेज की लड़ाई को नई हवा दे दी है? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वो चप्पल जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना। जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसका उसके बदले तुम्हें वोट नहीं ये डंडा मिलेगा। सीतापुर में आकाश आनंद के इस बयान के बाद उन पर सीतापुर बीएसपी जिला अध्यक्ष और लखीमपुर खीरी के बीएसपी प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल ये, इस सियासत से आकाश आनंद संदेश क्या देना चाहते हैं? काफी समय से बीएसपी में इस तरह की आक्रामकता नहीं दिखी, लेकिन बीएसपी की जो राजनीतिक शुरुआत है वो कांशीराम जी ने की थी और कांशीराम जी बहुत आक्रामक थे। आकाश आनंद उनसे कोसों मीलों पीछे हैं और मायावती जी के जो शुरुआती भाषण है उसमें भी आक्रामकता ही थी और यही बीएसपी की पहचान बनी। दरअसल उस समय जो आक्रामकता थी वो जो बहुजन समाज है या दलित समाज है उनमें स्वाभिमान और जोश पैदा करने के लिए भाषण दिए जाते थे। ये पहली दफा नहीं है जब आकाश आनंद ने इस तरह के उग्र बयान दिए हो। आकाश आनंद आगरा में मुसलमानों पर डोरे डालने के लिए भी बाबरी पर बयान दे चुके हैं कि सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। ये पहली बार है जब बीएसपी का कोई नेता इस तरह की भाषाई उग्रता दिखा रहा है, क्योंकि ना तो बहन जी के जमाने में कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए ना ही काशीराम के दौर में। सवाल उठता है अब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, तो उसकी वजह है साल दर साल खिसकता वोट बैंक। इसी वोट बैंक को बचाने के लिए आकाश आनंद दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे फिर से वापसी का प्लान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक छोटे से ब्रेक लिया, रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।